नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube में फिर से स्वागत है। आज यह वीडियो गांव फतेहाबाद से है और यहां पर एक गेट के अंदर सांप घुसा हुआ था, जो कि एक स्लाइड वाला गेट था। उसके नीचे से वह सांप इसी गेट के अंदर चला गया है, जो कि यह गेट अंदर से खाली है। इसी के कारण इसके अंदर इस सांप को जगह मिल गई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर फतेहाबाद सेक्टर 3 के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर यह सांप इसी गेट के अंदर है, तो घर वाले डरे हुए थे और हमारे पास कॉल आया है, तो हम वहीं पर हैं अभी फ़िलहाल। और इस सांप के लिए हमें इस गेट को उतारना पड़ेगा, क्योंकि यह सांप इसी गेट के नीचे घुसा हुआ है। तो दोस्तों, इसी यह जो गेट है बहुत ही वज़नदार है, बहुत ही भारी है। यह एक आदमी से नहीं उठ सकता, इसलिए इस गेट को उठाने के लिए हमें और लोग चाहिए, जो कि इस गेट को यहाँ से हटाकर बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, इसी गेट को अब नीचे उतारेंगे यहाँ से। यह स्लाइड वाला गेट है, क्योंकि यह सांप इसी के नीचे है। तो दोस्तों, चलिए इस गेट को यहाँ से उठा देते हैं और यहाँ से इसी गेट को उतारते हैं और नीचे रखते हैं, क्योंकि फिर यह सांप निकलेगा। इसके नीचे जगह न होने के कारण मैं देख नहीं सकता, क्योंकि यह गेट ज़मीन के अटैच है, काफ़ी नज़दीक है। तो दोस्तों, चलते हैं इस गेट को अभी इन भाइयों की मदद से उतारने की कोशिश करेंगे और इस सांप को निकालेंगे और आपको बताएंगे कि यह कौन सा सांप है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने इस गेट को नीचे उतार दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि सांप दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन दोस्तों, इस गेट के अंदर दो होल बने हुए हैं और बाकी गेट चारों तरफ से बंद है, तो सांप इससे नहीं निकल सकता, क्योंकि सांप दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि होल बहुत छोटे हैं। इसके कारण यह सांप दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गेट काफ़ी बड़ा है। इसके लिए हम पानी की मदद ले रहे हैं, जो कि ठंडा पानी है, गर्म नहीं है, क्योंकि गर्म पानी से सांप को नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ पर अब पानी डाल रहे हैं इस गेट के अंदर, ताकि क्योंकि पानी भरेगा तो वह सांप बाहर ज़रूर आएगा, और बाहर आने पर हम आपको बताएंगे कि यह कौन सा सांप है। तो आप जब तक वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सांप कहीं पर भी घुस सकता है। तो जैसे कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो आप सावधान रह सकते हैं, क्योंकि सांप किसी भी जगह जा सकता है। यहाँ पर लोग यकीन नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, इस गेट के अंदर सांप घुसा हुआ है, जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, हम काफ़ी देर हो गई है पानी डालते हुए, तो हम देख रहे हैं पानी की मदद से सांप अभी तक बाहर नहीं आया है। एक बार आया है और वापस चला गया, थोड़ा सा मुँह निकाला था बाहर, लेकिन वह सांप वापस इसी गेट के अंदर चले गए हैं। काफ़ी भीड़ है, लोग देख रहे हैं कि सांप कब तक निकलेगा। और देखिए दोस्तों, यह वो सांप था जो कि निकल चुका है। यह सांप है ग्लोसी वैली ड्रेसर स्नेक, जो कि एक बिना जहर का सांप है। इस सांप के अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस सांप को हिंदी में चिकना धावक कहते हैं। इस सांप की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसी सांप को ग्लोसी वैली ड्रेसर स्नेक कहते हैं। कि ड्रेसर स्नेक इसलिए कि इस सांप की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। इस सांप के अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है, लेकिन दोस्त जो लोग होते हैं वह बिना नॉलेज के कारण इस सांप को मार देते हैं और लोग खुद मर जाते हैं। कई बार यह सांप काट लेता है तो, लेकिन डरना नहीं चाहिए दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप इस सांप की पहचान कर सकते हैं, यदि यह सांप काट ले तो आप एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, क्योंकि इस सांप के अंदर जहर नहीं होता है। तो इसीलिए इस सांप को कभी भी ना मारें,
और यदि यह अपने आसपास दिखाई दे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, हम इन सांपों का रेस्क्यू करके सुरक्षित किसी जंगल में छोड़ देंगे। तो दोस्तों इन जीवों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि इनका पर्यावरण के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि ऐसे ही सांपों को मारते रहे तो एक दिन इन सांपों की प्रजाति लुप्त हो जाएगी, तो हम सिर्फ किताबों के अंदर ही देख सकेंगे। यह सांप असल तौर पर हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि यह धरती से गायब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इन सांपों को कभी भी ना मारें तो ध्यान रहे, क्योंकि इन सांपों की आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं। यदि आप तो आप इन सांपों के ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, मारे नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन सांपों को कभी भी ना मारें। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रहें कि यदि सांप काट ले तो आप कभी भी झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि झाड़ फूँक के चक्कर में आप अपनी जान गंवा सकते हैं, क्योंकि झाड़ फूँक से कोई इलाज नहीं है। इन सांपों को यदि जहरीला सांप काट ले तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि वहां पर इन सांपों से संबंधित आपको एंटीवेनम लगेगा। उस सांप की पहचान कर लें भी कौन सा सांप काटा है, आप कलर बता सकते हैं, वरना खून का सैंपल लेकर डॉक्टर एंटीवेनम लगवा दें और इसी से आपकी जान बच सकती है। तो आप कभी भी झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहें। तो थैंक यू।